हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स बुलेटिन सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है गंगाजल प्रोजेक्ट को लेके। तो गंगाजल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, बेसिक फैक्ट इसके हैं कि गंगाजल जो प्रोजेक्ट है वो आया है मेनली कौन सी रिवर, गंगा रिवर के लिए। तो प्रोजेक्ट है ये तो हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे बात करें कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है आगरा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड बढ़ रही है उसकी सप्लाई को इन्हांस है, उसकी सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए। देखो, आगरा के अंदर पानी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है पीने के पानी की, और इसीलिए गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 140 क्यूबसेक जो पानी है वो हर बार गंगा को प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो इसके लिए फीचर्स हैं वो रखे गए हैं, तो हमें थोड़ा देख लेते हैं और क्या है। देखो, वैसे तो ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था 2005 में, और इसका टारगेट रखा गया था कि 2012 तक के कंप्लीट हो, बट अभी तक ये कंप्लीट है वो नहीं हो पाया काफ़ी डेडलाइन के बावजूद भी। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो कोऑपरेशन एजेंसी है इसके साथ मिलकर इंडिया ये प्रोजेक्ट पे काम है वो कर रहा है। बाकी अमाउंट कितनी है 2800 से ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए कि इंडिया जापान के साथ मिलकर गंगाजल प्रोजेक्ट है वो आगरा में पानी की डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए, पानी की डिमांड को बनाए रखने के लिए ही ये स्टार्ट है वो किया गया है, जो अभी तक एक्टिव तो खैर नहीं हुआ है। अब और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जैसे ये दिख गई कि गंगाजल जो प्रोजेक्ट है वो 140 क्यूसेक जो पानी है वो प्रोवाइड करेगा कहाँ से, पालरा हेडवर्क जो कि कहाँ पे है, बुलंदशहर है जो कि अपर गंगा कैनाल। देखो, बुलंदशहर में अपर गंगा कैनाल है, मतलब गंगानगर गंगा सॉरी जो गंगा नदी है इसके ऊपर एक कैनाल बनाई गई जिसका नाम है अपर गंगा कैनाल, और वहाँ से ये पानी है वो गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत आगरा को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यूपीएससी पूछ सकती है कौन से जिले को या कहाँ किसको कौन सी सिटी को बेनिफिट होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि गंगाजल प्रोजेक्ट से यहाँ पे आगरा सिटी को बेनिफिट पहुँचाने की बात है वो की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। देखो, इंडिया का सिंगल लेन स्टील केबल जो ब्रिज बनाया गया लॉन्गेस्ट वो अभी बनाया गया है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो यह ध्यान में रखना है। और रिवर कौन सी है, रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर की ही ट्रिब्यूटरी, आप एक तरीके से कह सकते हो, उसके अलग अलग नाम्स हैं जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। वैसे है सियांग रिवर पे, तो देखो सियांग रिवर के बारे में एक दो चार फैक्ट है वो डिस्कस करेंगे। एक तो ये पता होना चाहिए है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर के ऊपर, ये दो फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम सियांग रिवर की बात करें, सियांग रिवर है उसको बेसिकली उसका ओरिजिन का जो रियल नेम है वो है टी सांगपो रिवर, और ये है वो तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलने के बाद ये इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। और इसको हम बात करें तिब्बत में भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में एक जगह है ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो आंगसी ग्लेशियर है हिमालय से, वहाँ से तिब्बत से ओरिजिन होता है इसका, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग होता है, और फिर इसमें इसका नाम वो दिहांग हो जाता है, और इसमें दिबांग और लोहित नाम की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें आके मिलती हैं। तो इतना फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि टी सांगपो रिवर है, टी सांगपो रिवर वो इंडिया में एंट्री करते हैं उसको सियांग कहते हैं, फिर उसको दिहांग कहते हैं, और फिर उसको उसमें दिबांग और लोहित रिवर है वो उसमें आके मिल जाती हैं। एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन जो स्टील केबल ब्रिज बनाया गया है उसका दूसरा नाम भी है वो यहाँ पे आपके सामने है, वो है बोरंग ब्रिज। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि भाई इस ब्रिज का दूसरा नाम वगैरह क्या रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट को बेनिफिट इससे हो रहा है और कौन से रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है वर्ल्ड हिंदी डे 2019 के बारे में। देखो, वर्ल्ड हिंदी डे वो हर साल जनवरी में 10 जनवरी को ये मनाया है वो जाता है, तो ये इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो, इसकी स्टार्टिंग की हम बात करें तो ये हुई थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उनके द्वारा 1975 में वर्ल्ड हिंदी डे की स्टार्टिंग है वो की गई थी, उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हुई थी। और वैसे इसको फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करने की बात करें तो वो किया गया था 10 जनवरी 2006 को, तो ये फैक्ट हो जाता है कि वर्ल्ड हिंदी डे। और वर्ल्ड हिंदी डे का मेन मोटो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदी है इसको प्रमोट किया जा सके, इसकी जो क्वालिटी है उसको लोगों के बीच में मतलब डिस्कस किया जा सके, ये होता है इसका बेसिक मेन मोटो। इसी के साथ एक वर्ड और आता है, वो आता है नेशनल हिंदी दिवस। देखो, तो नेशनल हिंदी दिवस है वो हर साल मनाया जाता है यहाँ पे 14 सितंबर को, मतलब 14 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हिंदी सॉरी नेशनल हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। और ये देखो, नेशनल हिंदी दिवस है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1949 में। आपको पता है कि जब एक तरीके से जब संविधान बन रहा था तो संविधान के अंदर आपको पता है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको हिंदी रखा गया था जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए इंडिया के अंदर भारत के अंदर हिंदी को प्रमोट किया जा सके, अलग स्टेट्स में भी इसकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए नेशनल हिंदी दिवस है वो हर साल मनाया
जाता है। तो ध्यान रखना है कि नेशनल हिंदी दिवस है वो तो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हिंदी डे वो मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। और वर्ल्ड हिंदी डे का मेन मतलब क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदी को प्रमोट करना है, और नेशनल हिंदी दिवस का मतलब ये कि भाई इंडिया के अंदर हिंदी है इसको एडोप्ट किया गया है तो इसको प्रमोट किया जा सके एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के सॉरी एज ए नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। और जो ग्लोबल जो वर्ल्ड हिंदी डे इसका मोटो क्या है कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर हिंदी को प्रमोट है वो किया जाए, मतलब नेशनल वाला तो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल की बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो हो जाती है वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पर्शियन गल्फ रीजन डायलॉग फॉर्म के बारे में। देखो कंटेक्स तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर पूछ सकती है, क्योंकि इंडिया के आपको पता है कि जो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं इनके साथ रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो हम बात करते हैं एक बार यहाँ पे, देखो गल्फ कंट्रीज हैं इसमें मैं आपको बता दूं, एक तो आता है यहाँ पे सऊदी अरब आप देख सकते हो, एक आता है ओमान, एक आता है यूएई, एक कतर और एक बहरीन और एक कुवैत। देखो बहरीन तो एक छोटी सी सिटी है नाम की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा निशान, ये तो होगी बहरीन। कुवैत भी एक छोटी सी सिटी है, ये हो गया सऊदी अरब, ये हो गया यूएई और ये हो गया यहाँ पे कतर और ये हो गया ओमान। तो ये सिटी है, एक तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे यमन है वो काउंट नहीं है, तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि यमन वगैरह तो हमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो ये फैक्ट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब इनको हम एक बार और भी देख लेते हैं। देखो अभी आपको सीन बताऊं क्या हो रहा था कि जो गल्फ कंट्रीज है ना इसमें ईरान और सऊदी अरब है ना इसके बीच में काफ़ी बड़े इश्यूज हैं वो चल रहे थे, क्योंकि ईरान को आपको पता है कि ईरान है वो सिया बहुल कंट्री है जो कि सिया को सब सिया मुसलमानों को सपोर्ट करती है, और सऊदी अरब है वो सुन्नी मुसलमानों को, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और वैसे भी आपको पता है कि लड़ाई किस लेवल पर जा चुकी है, हमने काफ़ी बार आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। अब वैसे तो जो ग्रुप है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जीसीसी, ये इसलिए बनाया गया था ताकि इस एरिया के अंदर शांति है उसको प्रमोट किया जाए और प्रोस्पेरिटी है वो लाई जा सके, बट आपको पता है कि अभी रिसेंटली ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब मोर फैक्ट इसके बारे में देखें कि यह पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है जिसमें छह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल हैं, जैसे मैंने आपको बताया सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन एंड ओमान। ये बनाया तो गया था 1981 में, ये सऊदी अरब के द्वारा ही बनाया गया था, सऊदी अरब में इसको स्टार्ट है वो किया गया था, बट आपको पता है कि सऊदी अरब ईरान में काफ़ी बड़े डिफरेंसेस पैदा होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़े इश्यूज हैं वो आते रहते हैं। अब इसका जैसा मैंने आपको काम इसका मेनली यही है कि आपस में प्रोस्पेरिटी है, पीस है, इसको बनाए रखना, इसको प्रमोट है वो किया जा सके, बाकी पॉलिटिकल जो रिलेशन इनको इम्प्रूव करना, कल्चरल जो रिलेशन है इनको इम्प्रूव करना, और इसके साथ ही इस्लामिक कल्चर है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया जा सके इसके लिए काम है वो करता है। और बात करें इसकी जो चेयरपर्सन या इसकी अध्यक्षता की प्रेसिडेंसी की, तो वो हर साल इसके मेंबर कंट्रीज में रोटेट होती रहती है। तो कुछ बेसिक फैक्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट हमने एक बार न्यूज़ में है तो हमने देख लिया कि गल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, रिपोर्ट कौन सी है उसका नाम है फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया के ऊपर। देखो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, रिपोर्ट में बोला गया है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, या हम बोले कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी की बात करें, तो हमारे देश में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है और उसके लिए काफ़ी सारे आपको पता है कि रिसोर्सेज की जरूरत भी होती है। तो इंडिया के जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना उसका एक हिस्सा तो इंडिया अपने खुद में अपने आप में कंज्यूम कर लेता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो खुद ही इन चीज़ों को खपत में यूज़ है वो कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इस पर थोड़ा ये इफेक्ट दिया गया है। इसी के साथ ये कहा गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हम बात करें यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो 6 ट्रिलियन डॉलर के विकास की मतलब अभी मौका है, वहाँ पे स्कोप है वो इंडिया के सामने है। और बात की जा रही है कि 2030 तक भारत है वो दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो बन जाएगी, और वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था वो यहाँ पे दी गई है 1.5 ट्रिलियन की। तो उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी है वो हो जाएगी 6 ट्रिलियन डॉलर की। इसका रीज़न क्या है कि एक तो इंडिया की जीडीपी में खुद के यहाँ पे लोगों का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो रह जाता है। तो ये छोटा सा फैक्ट है जिसको हम बेसिकली तो आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, इसे तो बस ये ध्यान रख लेना कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है इंडिया को लेकर। अब जैसा देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। काम क्या है इसका, इसका काम ही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर और उद्योग एजेंट हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके, आपस में ट्रेड है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है, इसके साथ जो एजुकेशनल है, सोशल जो इश्यूज़ हैं इनको दूर करते हुए आपस में हम एक तरीके से दुनिया के अंदर हमारी जो ऑल ओवर छवि है इसको इम्प्रूव कर सकें, सभी कंट्रीज को इस दिशा में फोकस है वो करती है।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेके। देखो गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है वो आरबीआई की है, ये ध्यान रखना है, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है वो आरबीआई की है। तो अभी इसको वापस से इसके इस अलग फेज है वो लाया गया है, तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेक्स्ट, बस ये पता होना चाहिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या। देखो हम सीधी सी बात करें कि आपको पता है कि हमारे देश में सोना है ना, लोग उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब मानते हैं और अपने घरों में उसको मतलब सेफ करके रखते हैं, इसी के साथ ही मंदिर वगैरह में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना पड़ा रहता है। अब हम सब जानते हैं कि उस सोने का वैसे तो कोई यूज़ नहीं होता कि वो रखा हुआ ही रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और बढ़ता रहता है, क्योंकि हम सोने को बाहर से इंपोर्ट करते हैं ज़रूरत होती है तब, और जो घर पड़ा वो उसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमें बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट ने स्कीम ये प्रावधान किया है कि भाई आपके पास जितना सोना है ना, हम आपको एक पेपर पे लिख के दे देंगे, मतलब एक सीधी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ सिंपल में, कि हम आपको एक पेपर पे लिख के दे देंगे कि हम जैसे आपने हमें 100 ग्राम सोना दिया तो 100 ग्राम सोना आप हमें दे दो, और उसके अकॉर्डिंग जो जो सोने की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे आज ये मान लो कि सोना है वो 40,000 रुपये पर 10 ग्राम है, अगर बाद में वो 45,000 रुपये पर 10 ग्राम होता है तो आपको जो 5,000 का जो अमाउंट है जितना भी जो गैप आएगा वो आपको वैसे ही दे दिया जाएगा, बस आप सोने को स्टोर मत रखो, मतलब सोने को आपको केवल आभासी तौर पे स्टोर करना है ना कि रियल फॉर्म में, ये इसका मेन मोटो है। हम और अगर हम लैंग्वेज में बात करें इकोनॉमी की लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये है कि सोने का जो मुद्रीकरण है वो हमें करना है, बैंक और जो व्यक्तियों के पास जो सोना पड़ा है जिसका कोई वैसे यूज़ नहीं हो रहा है उस सोने को एक्चुअली जो गवर्नमेंट है वो मार्केट में लाएगी आरबीआई, और फिर उस सोने का यूज़ किया जाएगा और जो सोना पड़ा था उनका उसका उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा दिया जाएगा। तो इसमें तीन तरह के प्रावधान किए गए हैं, एक तो 1 से 3 साल तक का इन्वेस्टमेंट, एक रखा गया 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट, और एक रखा गया है 12 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट। और लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है वो जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इस बार की थीम है इसकी वो यहाँ पे रखी गई है डार्कनिंग स्काइज। और इस थीम रिपोर्ट में क्या गया है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो उम्मीद की जा रही है कि इस साल 7.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी 2018-19 के बात की जा रही है फिस्कल ईयर में, और हम लास्ट के जो 2 साल हैं उसमें बात की गई थी 7.5% की। तो बस ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी की जाती है और अभी कहा क्या गया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वो सीबीआई को लेकर, आजकल काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ में रहती है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सीबीआई है वो एक स्टेचुरी पावर है, उसको यहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस रिक्वायरमेंट एक्ट 1946 के तहत बनाया गया है, ये तो है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो सीबीआई है उसकी ज्यूरिडिक्शन है वो आती है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है पाषाण काल को लेके, मतलब स्टोन एज को लेके। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो यहाँ पे जो पेलियोलिथिक टाइम था, या जिसे हम बात करें यहाँ पे मध्य पाषाण काल की, सॉरी पूरा पाषाण, पेलियोलिथिक का मतलब होता है हिंदी में पूरा पाषाण। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में जानवरों को पालते हुए बनाए जाने लग गया था, उनका डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मिडिल स्टोन एज है या मध्य जो पाषाण काल है उसके अंदर फूड प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए बी या ए ओनली बी या फिर नन ऑफ दिस। देखो हम बात करें इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे की बात की जा रही है कि एनिमल को पालतू बनाने की, तो पशुओं को पालतू बनाया गया था नवपाषाण काल में, ना कि पूरा पाषाण में, तो इसलिए गलत हो गया। और हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन की, फूड प्रोडक्शन की, तो वो तो पहले स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए ये भी गलत है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है आईएससी के बारे में, इंडियन साइंस कांग्रेस को लेकर। पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन साइंस कांग्रेस है 2019 की थीम थी वो थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड स्टेटमेंट है कि इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड वंस एवरी 2 ईयर, मतलब हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। हम जानते हैं सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था कि यह हर साल आयोजित की जाती है, ना कि हर 2 साल में एक बार, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में, कि किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी, और तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो देखो हम बात करें यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, ये जारी की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।